यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर के बारे में जिसे 5G टेक्नोलॉजी से काफी मदद हो सकता है। मतलब ये कंपनियां जो 5G टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा आगे रहेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी में दो कंपनी को फायदा होगा, एक जो सर्विस प्रोवाइड करेगी जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये 5G सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, कॉल डाटा जो भी है, तो उससे बेनिफिट होने वाला है जियो को और एयरटेल को। साथ साथ जो 5G टेक्नोलॉजी लाएगा कंपनी और जो 5G टेक्नोलॉजी में जो केबल प्रोवाइड करेगा, 5G डाटा प्रोवाइड करेगा, तो 5G उन कंपनियों को भी काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो उसमें से है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क कंपनी जो है ऑप्टिकल और डाटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट कंपनी है। ये ऑप्टिकल जो और डाटा नेटवर्क है उसको डिजाइन करती है, डेवलप करती है, मतलब ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, उसको मेंटेनेंस करती है हाई परफॉर्मेंस देने के लिए, और जो फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट है जो भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए, वॉइस कॉल के लिए, डाटा के लिए, वॉइस वीडियो ट्रैफिक के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो जरूरत पड़ती है फिक्स लाइन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, तो उस पर काम कर रही है ये तेजस नेटवर्क। तो जैसे जैसे ये कंपनी डिस्कवर करती है नए नए प्रोडक्ट और मार्केट में अगर वो लीड करता है तो समझिए ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से ये मिड कैप लार्ज कैप बन सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अब बात करें इस कंपनी के डिटेल में, तो देखिए मार्केट कैप तो 1882 करोड़ का है, करंट प्राइस 201 रुपीज है, डिविडेंड यील्ड जीरो है, कंपनी कोई डिविडेंड पे करती नहीं है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। जब कंपनी का नया टेक्नोलॉजी आता है, प्रोडक्ट जो है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इसका मार्केट में अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करता है, तो वहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड भी दे सकता है। तो ये इस तरह से ये कंपनियां काम करती है। प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो है, लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन में ले चलते हैं, तो देखिए यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, पहला तो FIIs का स्टेक 20% है, साथ ही साथ काफ़ी सारी कंपनियां हैं। देखिए यहाँ पर कैस्केड कैपिटल मैनेजमेंट, इनका 17% स्टेक है, सिमेना स्पेक्ट्रम हो सकता है यही प्रमोटर हो तो 10% इसका स्टेक है, संजय नायक 2%, साथ साथ इसमें कैडिया सिक्योरिटीज 4%, तो कई सारे मेजर इन्वेस्टमेंट है इसमें, मतलब रिटेल के हाथ में काफ़ी कम यहाँ पर माल है, 30% 20-50% से ऊपर, तो यहाँ पर ये चार इन्वेस्टर प्लस FIIs के हैं, साथ साथ DIIs का भी स्टेक 7% है, तो इसलिए प्रमोटर स्टेक का खास इश्यू नहीं है। हो सकता है पब्लिक में जो आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा स्टेक वही प्रमोटर हो, तो कभी कभी यहाँ पर इश्यू हो जाता है। अब डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.02 है, और टोटल डेट की बात करें 24 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, जबकि नेट प्रॉफिट 54 करोड़ से भी ज़्यादा का है, देख सकते हैं। तो जो कंपनी के ऊपर डेट है वो काफ़ी कम है, वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, तो फंडामेंटल्स में कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ जो प्रमोटर्स स्टेक सिर्फ जीरो दिखा रहा है, तो ये छोटे कंपनियों में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि जो प्रमोटर्स है उसको पब्लिक में दिखा दिया गया हो, क्योंकि पब्लिक में जो बड़े बड़े स्टेक 70% 8% है, हो सकता है वही प्रमोटर हो। रिजर्व की बात करें तो 1000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो कंपनी अच्छा खासा रिजर्व भी रखती है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए कंपनी जो कभी कभी जब कंपनी अच्छा खासा टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट लाती है तो अच्छा खासा कंपनी यहाँ से प्रॉफिट अर्न करती है। देखिए 147 करोड़ का प्रॉफिट, वही फिर लॉस 237 करोड़ का लॉस, तो कुछ इस तरह से कंपनी का। अगर सेल्स की बात करें 201 करोड़ का, तो सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होती रहा है, तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में खास करके इसी तरह होगा जो नए नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट करती है। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी, तो देखिए 5G इवॉल्व योर इन टू इन नेटवर्क, तो यहाँ 5G पे ये काम कर रही है तेजस नेटवर्क। अगर 5G आता है तो ये सारी चीज जो सर्विसेस है कंपनी प्रोवाइड करेगी। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, ब्रॉडबैंड एक्सेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लार्ज इंटरप्राइज 5G मोबाइल, इस तरह से ये सारे जो कंपनी है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट नेटवर्क का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ साथ यहाँ पर देखिए और सर्विस में यहाँ पर आइएगा, कस्टमर सर्विस, बिल्ड सर्विस, मैनेज सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, तो इस तरह से कंपनी जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है और नई नई टेक्नोलॉजी को ये डिस्कवर करती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी जो लाती है कंपनी का। अगर नई टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोडक्ट अच्छा खासा हो जाता है जो मार्केट में लीड करता है, अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
तो निश्चित रूप से इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यह देखिए इम्पैक्ट ऑफ 5G ऑन ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव प्लेयर इन इवॉल्विंग इंडिया 5G स्ट्रेटेजी। तो सबसे एक्टिव प्लेयर है 5G स्ट्रेटेजी को इवॉल्व करने में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन कभी भी हाइयर प्राइस में इसको बाय नहीं करना है। देखिए जब ये स्टॉक काफ़ी गिरावट में था तो यहाँ पर आप राउंडिंग बॉटम पैटर देखिए, एकदम क्लियर राउंडिंग बॉटम पैटर्न ये फॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पर जैसे राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने लगा यहाँ पर, आप कहीं पर यहाँ पर बाय कर सकते हैं 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, चाहे यहाँ पर बॉटम पर भी आप थोड़े थोड़े माल को उठाना था। यहाँ पर जैसे राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने लगा आप थोड़े थोड़े माल को उठा सकते थे, क्योंकि इस समय मार्केट भी काफ़ी नीचे था, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे था पिछले 10 सालों में। तो जब वहाँ पर मार्केट है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट के साथ सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो देखिए ये सर्किट के साथ 5% के सर्किट के साथ ऊपर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक जब मार्केट के ऑल टाइम लो पे था तो स्टॉक भी अपना लो बना रहा था, वहाँ पर आप ले सकते थे, नहीं तो ये फिर से कभी गिरावट दिखाता है, गिरावट के बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करता है तो फिर वहाँ पर आपको लेना है। तो जस्ट अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, थोड़े थोड़े क्वांटिटी को ऐड करना है गिरावट में। स्टार लाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, देखिए इसका मार्केट कैप है 11,000 करोड़ का। देखिए ये कंपनी जो है खास करके ये किस में है, पावर ट्रांसमिशन केबल में, पावर ट्रांसमिशन अगर 5G टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए ट्रांसमिशन केबल की जरूरत पड़ेगा, फास्ट ट्रांसमिशन हो तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसका ऑर्डर बुक देखिए कितना का है, कंपनी स्टैंड 10,700 करोड़ का ऑर्डर बुक देख सकते हैं, आउट ऑफ विच अबाउट 5,500 करोड़ डिलीवर्ड इन फाइनेंशियल 22। जो फाइनेंशियल 22 है उसमें 5,500 करोड़ का ये ऑर्डर बुक इस कंपनी को डिलीवर करना है। और इसके ऑर्डर बुक में 48% जो है सिटीजन नेटवर्क और इंटरप्राइज का 18% है, सिटीजन नेटवर्क्स का 34% और इंटरप्राइज का 18%। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर बुक है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल पैरामीटर पास है 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 300 के आसपास है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.17% का डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1%, डेट टू इक्विटी की बात करें 1.31, थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है, 2,594 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के ऊपर ये भी देखिएगा थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी भी एक मिड कैप कंपनी है। तो जब मिड कैप कंपनी है, मिड कैप में भी छोटी कंपनी है तो डेट पे ध्यान रखना होता है। कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है तो डेट पे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर डेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट देखिएगा 385 करोड़ का ही है, जबकि 2,500 करोड़ का डेट है। तो डेट पे ध्यान रखना है, कंपनी अगर अपने डेट को रिड्यूस करती है तो निश्चित रूप से ये स्टॉक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। रिजल्ट की बात करें 1,900 करोड़ का है। अगर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 500 करोड़ को भी कभी क्रॉस कर दिख गया था। तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इस तरह के स्टॉक्स होते हैं उसमें प्रॉफिट में गिरावट आपको देखते मिलेगा, तो यहीं पर आपको बाय करना होता है गिरावट में। देखिए 2015-14 में तो ये कंपनी लॉस में थी। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो डेट है, कंपनी का डेट अभी काफ़ी बढ़ चुका है, कंपनी का कभी डेट काफ़ी कम हुआ करता था, कभी काफ़ी ज़्यादा भी हुआ है। 2014-15 में देखिए 5,000 करोड़ का डेट हो चुका था, वहाँ से कंपनी काफ़ी कम किया, 2016 में मात्र 1,000 करोड़ का डेट कर चुका था। इस तरह से कंपनी अपने डेट को काफ़ी कम करते रहता है, तो कंपनी अगर अपने डेट को रिमूव करता है तो निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन साइन होगा। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए हमेशा पॉजिटिव रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 53% से बढ़ करके 54%, तो यहाँ प्रमोटर्स अपना होल्डिंग 2020 में बढ़ा रहा है, मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक में एक कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा कि आपने ऑर्डर बुक में देखा 10,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। वहीं FIH का स्टेक 6%, DIH का स्टेक 9%, पब्लिक का स्टेक 29.87%। तो पब्लिक का स्टेक भी अच्छा खासा है इस कंपनी में भी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड 5G टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंपनियां हैं आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करने वाला है, तो इसलिए इस कंपनियों में आपको अच्छा खासा होल्डिंग दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी वेबसाइट पर आकर के रोड टू 5G बिल्ड ऑन फाइबर, तो फाइबर पर जो 5G का काम होने वाला है उस पर ये कंपनी काम कर रही है, 5G एंड फाइबर मैंडेट। यहाँ पर जाकर के कंपनी के बारे में डिटेल प्लानिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, 5G जो आने वाला है उसमें क्या कंपनी का
योगदान होने वाला है, कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अगर चार्ट की बात करें, देखिए चार्ट काफी सॉलिड फॉर्म हुआ है। देखिए जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, क्लियर रूप से कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है वो राउंडिंग बॉटम को फॉर्मेशन किया है। देखिए 2013-14 में अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट किए रहते तो यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर देखिए लगभग 200% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन। फिर यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और यहाँ पर अगर कहीं पर आप इन्वेस्ट कर रहते 65 रुपीज़ पे, तो अभी 300 रुपीज़ जा चुका था, यहाँ पर लगभग 400-500% का रिटर्न प्राप्त होता। तो कुछ इस तरह का ये स्टॉक है। तो इस स्टॉक में आपको देखना है, एक साइक्लिक स्टॉक है, कभी भी हाइयर प्राइस पे ट्रैप नहीं होना है। तो इसमें दोनों बातें हम आपको बताएं, इसमें कभी भी साइक्लिक स्टॉक में हाइयर प्राइस में ट्रैप नहीं होना। इसी तरह के कुछ स्टॉक होते हैं जैसे मेटल सेक्टर का स्टॉक हो गया, आपको टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, उसमें भी आपको गिरावट में बाय करना होता है। तो ये भी स्टॉक उसी तरह कुछ साइक्लिक के हैं। अभी 1-2 साल जैसे कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है 1-2 साल तक काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने मिले, तो ये हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर निकल सकता है, जबकि ऑल टाइम हाई है 415 रुपीज़। तो अगर ये 415 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो वहाँ से एक जबरदस्त ब्रेकआउट होगा, तो आप उसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक देखिए गिरावट दिखाता है, तो गिरावट भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है। अगर यहाँ से देखिए गिरावट की बात करें, तो देखिए यहाँ से हम गिरावट की बात करते हैं, 400 रुपीज़ से गिरावट दिखाया, तो कितना का गिरावट हुआ, 84% मान लीजिए, 84% का गिरावट। तो जब आप हायर लेवल पर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, तो 4% तक का गिरावट, और वो गिरावट अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टॉक को कभी हायर लेवल पर बाय करने का नहीं है। अगर बाय करते हैं हायर लेवल पर, तो स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने आपके कहने पर बाय किया था। हम हमेशा आपको कहते हैं कि स्टॉक को गिरावट में बाय करना है, कोई भी स्टॉक हो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसमें गिरावट हर स्टॉक में होता है। अगर आप सेक्टर लीडर बाय करते हैं जैसे HDFC बैंक हो गया, HUL हो गया, तो उसमें भी 10% तक का गिरावट होता है। तो जो ब्लू चिप कंपनियां होती है उसमें गिरावट कम होगा, 10%, 15%, 20%। ये इस स्टॉक में तो आप देख सकते हैं 80%, 84% तक होता है। तो मिड कैप स्टॉक में यही रीजन है, बड़े बड़े गिरावट आपको देखने मिलेंगे। तो इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।